वेलकम टू पार्ट टू ऑफ वेबसाइट मेकिंग सीरीज। गूगल से घर बैठे वेबसाइट बना के किस तरीके से पैसे बनाने हैं, इससे रिलेटेड हमने चैनल पे शुरू की है वेबसाइट मेकिंग सीरीज। इसका पार्ट टू आने वाला है दोस्तों। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और ऊपर आई बटन पे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। सो आज के इस सीरीज में हम जो पार्ट टू आने वाला है इसका, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वेबसाइट बनाना है, सारा प्रोसेस मैंने लाइव रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जो लोगों को लग रहा है कि यार वेबसाइट बनाने में कोडिंग वगैरह की जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 से 20 मिनट में इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट तैयार करोगे। कुछ इस तरीके की वेबसाइट भी हमने तैयार की है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके की नाइस लुकिंग जो वेबसाइट है वो आप भी अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप गूगल से घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, 15,000 से 20,000 रुपए मंथली कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो हे एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि चैनल पे चल रही है वेबसाइट मेकिंग सीरीज। अगर गूगल से पैसे कमाने हैं तो वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और यहां पे हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन कर पाए। एब्सोल्युटली फ्री ट्यूटोरियल है, कोई पैसा आपने देने नहीं है। सो यहां पे जो मैं पहली चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हम वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे और होस्टिंगर का यूज़ करेंगे, होस्टिंग परचेस करने के लिए और डोमेन परचेस करने के लिए, क्योंकि होस्टिंगर पे यहां पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है और यहां पे बहुत सस्ते रेट्स में जो है चीज़ें मिल रही है। हालांकि होस्टिंगर के अलावा भी कई सारे ऐसे यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइडर है, बट मैंने जो रेट्स कंपेयर किए थे तो मुझे होस्टिंगर के लिए जो रेट्स मिले थे वो सस्ती लगे थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि होस्टिंगर बहुत आसान है। हालांकि मैंने गोडैडी भी यूज़ किया है, इसके अलावा ब्लू होस्ट भी यूज़ किया है, बट होस्टिंगर को यहाँ पे यूज़ करना मुझे आसान लगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर पे अकाउंट बनाइए। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कूपन कोड्स भी बता दूंगा जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 7% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, राइट? तो ऐसे में दोस्तों चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाई जाती है और बहुत ही आसान तरीके से आप भी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं होस्टिंगर पे, जहाँ पे हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो हमने अभी आप लोगों को दिखाई थी, जो क्रिएट की है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी अकाउंट बना लिया होगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप वेबसाइट पे नीचे जाएंगे तो वेबसाइट में अपने बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। और एक और चीज़ बता दूँ, 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी है, 24/7 चैट सपोर्ट है, कोई भी दिक्कत आती है इनके लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और सभी तरीके की वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बना सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको 3 होस्टिंग प्लान्स मिलेंगे जो आपको चूज़ करने हैं। पहला है 59 रुपीज़ पर मंथ वाला, दूसरा है 119 रुपीज़ पर मंथ वाला, तीसरा है 219 रुपीज़ पर मंथ वाला। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है, अगर आप 59 वाला लेते हैं तो एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे, यानी कि जो आपको स्पेस मिलेगा होस्टिंग का वो एक ही वेबसाइट का मिलेगा। आप अपनी एक ही ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट यहाँ पे ये जो वेबसाइट आप कह सकते हैं कि जो बिगिनर होते हैं ना, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बिगिनर तो आप ये बाय कर सकते हो। हालांकि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप 119 रुपए पर मंथ वाला बाय करें, क्योंकि उसमें आप लोगों को अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिल जाता है, यानी कि एक ही होस्टिंग पे आप जितनी मर्जी चाहे वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का अगर ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हो, ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हो, तो वो अनलिमिटेड बना सकते हो। इसके अलावा जो बैंडविड्थ मिलती है वो आप लोगों को अनलिमिटेड मिल जाती है। सो ये मैं कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे ब्लॉग बनवाना है अपना, कोई अपनी स्टैटिक वेबसाइट बनानी है जिसमें आप सोचते हो कि ट्रैफिक ज़्यादा आ सकता है, तो आप 119 वाला पर मंथ वाला लीजिए, राइट? तो इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है अगर आपने इसको बाय करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से चीज़ें काम करती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो चेकआउट वाले पेज पे आ जाओगे, अब यहाँ पे अगर आप 48 महीनों के लिए एक साथ बाय कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 111 रुपये पर मंथ पे मिल जाता है। अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे 24 मंथ यानी 2 साल के लिए बाय करनी है होस्टिंग, तो आप यहाँ पे 2 साल के लिए सिलेक्ट कर दो, राइट? तो उसकी फीस जो भी आप लोगों की होगी वो दिखा देगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ कि जो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन मिल जाएगा प्रवीण दिल्ली वाला, वो अप्लाई कर लेना इस तरीके से दोस्तों, जिससे आप लोगों को यहाँ पे 7% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कूपन अप्लाई होने के बाद कॉस्ट जो है कम आ गई है। अगर आप 12 महीने का बाय करना चाहते हैं 12 महीने का भी कर सकते हैं। तो जो सीरियस है इस फील्ड में, रियली में यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 12 महीने का यहाँ पे
बाय कर ही ले, जिसमें आप लोगों को लाइफ टाइम जो है SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप 12 महीने का बाय करते हैं तो आप यहाँ पे एक फ्री डोमेन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। डोमेन के दोस्तों पैसे देने पड़ते हैं, बट यहाँ पे अगर आप 12 महीने का बाय करते हैं तो फ्री में भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डोमेन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मास्क वाला, मतलब इस तरीके से सर्च कर लेते हैं कुछ भी, तो आप देख सकते हैं अगर फ्री होगा तो आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मास्क वाला डॉट ऑनलाइन जो है यहाँ पे फ्री था। अगर आप यू नो 12 महीने का प्लान लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे जो है फ्री डोमेन भी मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों बाय कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद दोस्तों, कोड्स वगैरह अप्लाई करने के बाद, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप साइनअप वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के, अकाउंट डाल के आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी सारी चीज़ें ले रखी है, तो मैं आप लोगों को अपने अकाउंट में मूव करके दिखा देता हूँ कि आगे की चीज़ें कैसे होंगी। जब आप होस्टिंग प्लान परचेज कर लोगे तो ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने डोमेन भी, मतलब अगर 24 मंथ्स का बाय किया तो डोमेन का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो डोमेन फ्री भी मिल जाएगा उस केस में आपको। तो अभी हमने यहाँ पे ये जो प्लान चूज़ किया है इसमें हमें प्रीमियम वेब होस्टिंग फ्री मिली है और SSL सर्टिफिकेट फ्री मिला है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे मतलब कोई प्लान बाय करेंगे तो प्रीमियम होस्टिंग पे सेटअप पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बाय डोमेन अगर लिया हुआ है तो यू नो कोई बात नहीं, आप एग्जिस्टिंग डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डोमेन नहीं लिया हुआ है तो आप बाय डोमेन पे यहाँ पे क्लिक करें। दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने मास्क से रिलेटेड कुछ वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कूल मास्क आप लोगों के सामने मैं सर्च कर लेता हूँ, डोमेन अगर ये अवेलेबल है तो पता लग जाएगा। तो coolmask.com तो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने maskdelhi.com यहाँ पे डाला है, तो ये अवेलेबल है दोस्तों। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे डोमेन ले लिया जिस पे हम अपनी पूरी वेबसाइट बनाएंगे, आप लोगों के सामने लाइव क्रिएट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, बिल्ड अ न्यू वेबसाइट और माइग्रेट वेबसाइट। तो हमने बिल्ड अ न्यू वेबसाइट किया है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट कहीं और है तो उसको यहाँ पे आप लेके भी आ सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज़ कर लिया दोस्तों, जो कि हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होने वाला है। और भी चूज़ कर सकते हैं बट वर्डप्रेस जो है यहाँ पे बेस्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे जो है वर्डप्रेस पे अपना यहाँ पे एक पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने जैसे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों आप जो भी अपना ईमेल आईडी डालना चाहे उसको डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि कौन सी थीम आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग थीम चूज़ करें। आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारी आप लोगों को फ्री थीम्स मिल जाती है होस्टिंगर के ही तरफ से, तो यहाँ पे आप किसी भी थीम को चूज़ करके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि जो भी इस थीम में दिखा रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, आप उसको चूज़ कर लो। उसके बाद सारी चीज़ें एडिट हो जाती है। अगर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है फ़ोटो लगा सकते हो, टेक्स्ट एडिट करना है वो कर सकते हो, सभी चीज़ें अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन सी यहाँ पर यू नो थीम सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ और कौन कौन सी थीम्स है। आप देखेंगे कई सारी मतलब थीम्स मिल जाती है जो कि बहुत ही कस्टमाइजेबल है, इजी टू यूज़ है, मतलब आपको शुरू से वेबसाइट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थीम यूज़ नहीं करना चाहते तो शुरू से भी कर सकते हैं। तो मुझे ये पसंद आ रही है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं ये सर्वर लोकेशन पूछ रहा है, तो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं जो सबसे पास वाला सर्वर है सिंगापुर, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें हो चुकी है, हमने यहाँ पे डोमेन नेम वगैरह, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ टाइम लगेगा, ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है एडिटिंग के समय। बाय द वे 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट तक लग जाते हैं वेबसाइट रेडी होने में। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है रेडी हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट देखना चाहे देख सकते हैं अभी कैसी लग रही है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके की अभी हमारी जो है वेबसाइट लग रही है, जिसका नाम है www.maskdelhi.com। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है ओपन किया तो कुछ इस तरीके से जो हमने थीम सिलेक्ट किया था वही आ रहा है अभी, कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं हुआ हुआ है, जो भी थीम में लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें आ रही है। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है कस्टमाइज़ हो सकती है। एक एक इमेज जो चेंज करना चाहे, एक एक टेक्स्ट जो आप चेंज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो हम वापस आ गए दोस्तों। उसके बाद मैनेज वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि वर्डप्रेस की मदद से ही जो वेबसाइट जो है वो कस्टमाइज़ होगी। बट कस्टमाइज़ करने से पहले मैं यहाँ पे डोमेन नेम वगैरह जो हमने यहाँ पे परचेज़ किया था उसकी बिलिंग
बिलिंग जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे गया दोस्तों। बिलिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जो मैंने यहाँ पे maskdelhi.com जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो परचेस किया है उसके एक साल के मुझे 614 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। पहले मैं बिलिंग वगैरह पूरी कर लेता हूँ डोमेन वगैरह की ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, जिससे हमें अभी SSL सर्टिफिकेट भी जो है एक्टिवेट करना है, इंस्टॉल करना है। तो बिलिंग के लिए मैं यहाँ पेटीएम चूज़ करता हूँ क्योंकि पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली मतलब आपका बैंक अकाउंट का कोई यहाँ लेना देना नहीं होता, बट आप यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं, बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड वो सब तो आप कर ही सकते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे जो है पेटीएम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, उस तरीके से जो है बिलिंग हो जाएगी। मैंने आगे का प्रोसेस दिखाया नहीं है, प्रोसेस बड़ा आसान है, मतलब आपको अपना एड्रेस वगैरह भी डालना पड़ेगा, वो सब डाल देना। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे डोमेन पे जाके अपना जो है डोमेन सेटअप कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको SSL वगैरह भी जो है डालना है और डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कराना है। बिलिंग के बाद डोमेन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे डोमेन पे गए दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है रजिस्टर पे कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप डोमेन सर्च करोगे, जो भी डोमेन खरीदोगे उससे रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ। डालने के बाद देखेंगे जब आप यहाँ पे ओके नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ पेज आ जाएगा कि ये आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर कर देंगे कुछ मिनट में। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल पैनल पे चलते हैं। कंट्रोल पैनल पे चलने के बाद अभी हमारे ईमेल आईडी पे एक यहाँ पे मेल आएगा होस्टिंगर की तरफ से कि आपको अपना जो डोमेन आपने रजिस्टर किया उसको वेरीफाई करें। तो वेरीफिकेशन के लिए जो ईमेल आता है उसके लिए मैं अपने आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी है उस पे लेके चलते हैं जीमेल पे। उसके बाद जो है वेरीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं। उसके बाद जीमेल पे आने के बाद हमने जो है वेरीफाई ईमेल कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है, यानी कि जो हमारा डोमेन में हमने यहाँ पे ईमेल डाला था वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे जाओगे दोस्तों तो आप देखोगे कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी ना जब अपना डोमेन रजिस्टर किया था, अगर आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहे तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे प्राइवेसी के लिए एक यहाँ पे जो चीज़ को ऑर्डर करना पड़ता है, तो उसके लिए आपने ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ये बहुत ज़रूरी रहता है डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इसको ऑर्डर करने के बाद आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी डोमेन के लिए वो दिखाई नहीं देगी, तो हमने जो है उसको ले लिया है। अब यहाँ पे कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो को देख नहीं पाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट हो गई है, तो ये भी ले लेना होता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे SSL सर्टिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए दबाया, क्लिक किया यहाँ पे और maskdelhi.com हमारा जो डोमेन है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे डोमेन है उसमें SSL सर्टिफिकेट जो है इंस्टॉल हो चुका है। SSL सर्टिफिकेट जो पैडलॉक लगा रहता है आपके वेबसाइट के आगे, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट जो है सेफ मानी जाती है। तो हमारे वेबसाइट में जो है SSL जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो हमने लिया था वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी हम होम पे चलते हैं और यहाँ पे जो है आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। सो प्रोसेस बड़ा आसान रहता है दोस्तों, उसमें आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार होस्टिंग पहले चेक कर लेते हैं। होस्टिंग पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैनेज पे क्लिक करना है दोस्तों। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब आप होस्टिंग अकाउंट जो है पूरा कंट्रोल पैनल होस्टिंग अकाउंट का आ गया है। अभी उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे वेबसाइट देखना चाहे एक बार देख सकते हैं, और बाकी एडिट कैसे होती है चीज़ें वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए डैशबोर्ड पे चलते हैं दोस्तों वर्डप्रेस के, जहाँ पे जो है हमारी वेबसाइट सारी जो एडिट होने वाली है वो होगी। उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार जो है ये इसमें बहुत सारे फीचर दिख जाते हैं आप लोगों को, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है वर्डप्रेस के। अभी मैं आप लोगों को बेसिक जो है वेबसाइट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पैडलॉक भी नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने वर्डप्रेस के जो है डैशबोर्ड पे क्लिक किया। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहीं से दोस्तों जो है सारी वेबसाइट जो है एडिट होगी। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से जो है वेबसाइट को बना सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स को किसी को छेड़ना नहीं है आप लोगों को। आप देख सकते हैं आपका SSL सर्टिफिकेट जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था वो भी इनेबल्ड हो गया है। सो सारी सेटिंग वही रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमें जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद एडिट वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिससे हम जो है अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे एडिट होता है। तो पीछे का पूरा प्रोसेस करने के बाद आप दोस्तों मेन पेज पे होम पेज पे आ जाइए। होम पेज पे आने के बाद दो ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों। एक तो होस्टिंग में जो आपका maskdelhi.com ये मैनेज करने का दिखा रहा होगा, और डोमेन मैनेज करने का दिखा रहा होगा। डोमेन का क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है, मैनेजमेंट अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डोमेन परचेस करें उसके बाद आप लोगों को एक तो SSL लगाना बहुत ज़रूरी होता है जो पैडलॉक आता है। इसके अलावा जो डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो बाय करना ज़रूरी होता है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है लीक ना हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने मैनेज पे क्लिक किया तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी हमारा एक्टिवेटेड है और डोमेन लॉक भी जो है हमारा एक्टिवेटेड है।
ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे उस चीज़ को छेड़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं वापस से होम पेज पे आ जाता हूँ और अब हम यहाँ पे जो है अपनी जो वेबसाइट है उसको एडिट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आपकी वेबसाइट स्टोर होगी वो होस्टिंग में होगी। तो आप यहाँ पे होस्टिंग पे मैनेज पे हम गए दोस्तों, उस पर क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं सी पैनल पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आ चुके हैं। जो भी हमारा जो maskdelhi.com जिस पे हमने जो वेबसाइट होस्ट की है, यानी कि जो उसका डेटा है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अभी मैं आपको किस तरीके से एडिट करना है वो भी बता दूंगा। उससे पहले जो ऑप्शन होते हैं वो बात कर लेते हैं उस पर, जैसे ऑर्डर है, अकाउंट है, ईमेल है, इसके अलावा डोमेन, अगर सब डोमेन अगर आपने कोई क्लिक करना है, या वेबसाइट पे ऑटो इंस्टॉलर वगैरह इंस्टॉल करना है, या इंपोर्ट कोई वेबसाइट करनी है, जैसे कि अगर आपकी कई वेबसाइट है बनी हुई उसको यहाँ पे इस होस्टिंग पे इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा डेटाबेसेस है, मतलब डेटाबेस जहाँ पे आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, इनमें किसी भी सेटिंग को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है मतलब सब कुछ सेट ही रहता है। आपको जो यहाँ पे मेन चीज़ की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है उसको एडिट करना है। उसके लिए दोस्तों जब आप होस्टिंग पे जाके मैनेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, आप जैसे कि देख सकते हैं। इस पे दोस्तों डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। कुछ समय ले सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से बैठना, और यहाँ पे जो है लंबे समय तक इसमें वेबसाइट पूरी एक सेटअप करने में, लाइव करने में वैसे तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, बट क्योंकि आप बिगिनर है तो आपको यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 घंटा समझने में लग जाएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल एक बार में समझना है तो बार बार देख लेना, क्योंकि एक बार में जनरली समझ नहीं आता है, तो वो सबके साथ ही है, आप कोई अकेले नहीं हो। तो उस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब वर्डप्रेस वाले पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन हैं, SSL सर्टिफिकेट इनेबल है नहीं है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ एक्टिवेटेड है, जैसे कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले चीज़ें बताई थी वो कर लोगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को साइड में एडिट वेबसाइट नाम से दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है एडिट वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे जो है रीडायरेक्ट हो रहे हैं एडिट वेबसाइट के होम पैनल पे। तो ये कुछ समय ले रहा है दोस्तों, और अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस पे मूव कर चुके हैं, मतलब होस्टिंगर से वर्डप्रेस पे मूव कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है आप लोगों को कस्टमाइज़ करने का मौका दे रहा है, मतलब आप अपनी वेबसाइट जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसको अभी आपने छेड़ना नहीं है। खैर वर्डप्रेस पूरा सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम आप लोगों को एक स्टैटिक वेबसाइट बना के दिखा रहे हैं। तो एक बार जितना आप काम कर सको अपनी वेबसाइट पे कर लेना, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना जल्दी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। सिर्फ एक वीडियो देख के नहीं समझ आएगा, तो अगर ये दिमाग लगाते हो कि एक वीडियो देखूंगा अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि बेकार बात है, उसको दिमाग में नहीं लाना है। ये जितनी भी चीज़ें सीखने वाली होती है उसमें बहुत समय लगता है, मुझे भी काफ़ी समय लगा था, सो आपको भी लगेगा। और यहाँ पे जब एक वेबसाइट, दो वेबसाइट, 3, 4, 5 ऐसे बनाते चले जाओगे तो सारी चीज़ें जो है दिमाग में बैठ जाएगी। तो अभी जैसे कि हमने कहा कि हम जो है होस्टिंगर से अपने वर्डप्रेस वाले अकाउंट में आ गए, जो हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस, साइड में कई सारे ऑप्शन जो है दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों के वेबसाइट का जो बैकएंड का काम होता है वो सारी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा ही देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया दोस्तों। व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये अभी आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट दिख रही है, कुछ भी एडिटेड नहीं है। और बट आप जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं एडिट कर सकते हो। कैसे एडिट होता है उसके लिए बैक पे जाते हैं हम दोस्तों। बैक पे कर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों कस्टमाइज योर साइट का ऑप्शन है, उस पर हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी कस्टमाइजेशन की जो ऑप्शन है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डायरेक्टली, या तो यहाँ पे आप जाके कस्टमाइज कर सकते हो जितनी भी चीज़ें आपने कस्टमाइज करनी है, या फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप अगर यहाँ से कस्टमाइज नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है। उसके लिए दोस्तों मैं एक आप लोगों से कहूँगा कि जब आप कस्टमाइज करें तो अपनी एक वेबसाइट को जो है अलग जो क्रोम में अलग उस पर खोल के रख दे, और यहाँ पे जो जैसे जैसे आप यहाँ पे उसको जो है एडिट करते जाएंगे यहाँ पे आप चेंजेस जो है देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग एक ओपन कर दिया स्लाइड। तो उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पेजेस पे जाना है आप लोगों ने। पेजेस पे साइड में पेजेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे हमारे वेबसाइट में जितने भी पेजेस जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, FAQ, होम, पोर्टफोलियो, ये जितने सारे ऑप्शन आप लोगों को देख सकते हैं ये वेबसाइट पे दिख रहे होंगे।
होम अबाउट सर्विस पोर्टफोलियो FAQ कॉन्टैक्ट, आप जो भी एडिट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे होम पेज ही एडिट करना है, ये पीछे की इमेज चेंज करनी है और ये जो टेक्स्ट लगे हुए हैं वो मुझे अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं, तो आप जाएंगे होम पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये होम पे जो ऑप्शन आ रहा है, ये होम का ऑप्शन आ रहा है, राइट, होम फ्रंट पेज एलिमिनेटर। तो यहाँ पे हमने एडिट पे क्लिक किया है दोस्तों। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है एलिमिनेटर पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे जो है एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एलिमिनेटर पे आगे क्लिक कर देना है। ये एक एडिटर होता है वर्डप्रेस का, जिससे हम जो है बॉक्सेस के थ्रू जो है चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। इसमें होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो वेट कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह सब कुछ जो है एडिट हो सकता है। जैसे कि मान लो ये मुझे टेक्स्ट जो ये बड़ा लिखा हुआ है इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे हम इस पर हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया दोस्तों, और साइड में आप देख सकते हो ऑप्शन दिखा रहा है एडिट करने का, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। और क्योंकि हमने मास्क दिल्ली यानी कि मास्क सेलिंग की जो वेबसाइट बनाई है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेस्ट मास्क प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, राइट। मैं एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ मतलब किस तरीके से काम होता है। उसके बाद अपडेट कर देना है, राइट, नीचे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट कर दिया। ये हमने यहाँ पे एडिट कर दिया। अभी मैं आप लोगों को चेंजेस भी दिखा दूंगा। ऊपर का जो टेक्स्ट है वो भी अगर आप एडिट करना चाहे, ये जो लिखा हुआ है उसको भी एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के टेक्स्ट पे हम गए, डबल क्लिक करना है दोस्तों, और साइड में जो है आप लोगों को टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन दिखा देगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी प्रोवाइड, देखिए जो भी वेबसाइट बनाओगे ना उसके लिए एक सैम्पल वेबसाइट कैसे देखोगे, किस तरीके से बनेगी, उसके लिए आप लोगों को अपने कॉम्पिटिटर्स का यूज़ करना है। तो कॉम्पिटिटर जो भी है आपके, उनकी वेबसाइट देख के उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हो। ये एक तरीका होता है अपनी नई जब आप वेबसाइट बनाते हो उसका। वी प्रोवाइड मास्क एंड अदर कोविड प्रिवेंशन, ठीक है जी, इसको बड़ा छोटा करना है वो भी आप कर सकते हो। तो वो यहाँ पे आप नीचे जाके कर लेना, आपको सेंटर पे लाना है, सेंटर पे ले आओ, राइट, सारे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने जो है अपडेट कर दिया, राइट। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पे जाओगे तो सभी चीज़ें एडिट हो सकती है। जैसे कि मान लो आपको ये जो पीछे की इमेज चेंज करनी है, तो इमेज चेंज करनी है तो दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो ये एडिट सेक्शन पे क्लिक किया। एडिट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक कर दिया। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद अब ये जो पीछे इमेज लगी हुई है वो उसका ऑप्शन दिखा रहा, तो यहाँ पे मुझे इमेज चेंज करनी है तो चूज़ इमेज किया मैंने। और यहाँ पे पिक्सा वैसे आप फ्री इमेजेस भी ले सकते हैं, देख सकते हैं सभी चीज़ें जो है इंस्टॉल्ड है। सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस माना जाता है अगर वेबसाइट बनानी है तो। यहाँ पे मान लो मुझे जो है, अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मास्क, तो मास्क मैंने लिखा और यहाँ पे मास्क से रिलेटेड अगर आप अपनी इमेज डालना चाहें तो इंसर्ट का ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइसेस है। सो यहाँ पे मतलब मास्क से रिलेटेड कुछ इमेजेस देख लेते हैं, अगर अच्छी मिलती है तो वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। सो ये इमेज मुझे सही लग रही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेव एंड इंसर्ट पे ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। ये डाउनलोड हो रही है दोस्तों, और ये हमारी जो है इमेज जो है आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है, करेक्ट है जी। और हमने इसको अपडेट कर दिया दोस्तों। अपडेट करने के बाद अब जो मैं आप लोगों को वेबसाइट है वो ले जाके दिखा देता हूँ। पहले कुछ इस तरीके की दिख रही थी, अभी हमने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। ये सभी चीज़ें इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से जाइए एक बार चेक करें। मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ इस तरीके से जो है जितने भी सेक्शन पेजेस पे जाके आप जो है अलग अलग चीज़ें, ये टेक्स्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहे, सर्विसेज जो भी चेंज करना चाहे, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको मान लो ये फ़ोटो चेंज करनी है तो इस पर क्लिक करके कर लो, ये टेक्स्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक किया ये टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। पूरी की पूरी वेबसाइट जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती है। मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से एडिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा कि अगर यहाँ पे वेबसाइट बनानी है उसको एडिट करना है तो किस तरीके से होता है। जो भी मास्क दिल्ली पे जाएगा वो जाके ये चेक भी कर सकता है अपने तरफ से कि हमने किया है या नहीं किया है। तो बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आपने हमारा प्रीमियम कोर्स बाय किया है तो उसमें हम आप लोगों को ये सारी ही चीज़ें जो है डिटेल में बता रहे हैं। YouTube पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताना क्योंकि ट्यूटोरियल जो है वो बहुत लंबे जाते हैं। सो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके हमारा जो है कोर्स बाय कर सकते हैं। नंबर है 9999027036। ये हमारा जो है कोर्स की वेबसाइट है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया
सो इस पे जाके हमारा कोर्स भी आप जो है बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों चीज़ें काम करती है। जो थर्ड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट जो हम बनाते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप सभी यहाँ पे अपना होस्टिंग परचेस करें, डोमेन परचेस करें, उस पे काम करना शुरू करें। जितना ज़्यादा काम करके देखोगे उतनी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आप सोचोगे कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी तो मुश्किल है। आप लोगों को यहाँ पर रिपीट कर करके चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पार्ट वन देखें, जिसमें हमने यहाँ पर बेसिक जो है सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताई है, और इस वीडियो में हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। सो यहाँ पे अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, तो जैसा कि मैंने अभी ये बताया भी था आप लोगों को कि बार बार देखें, जिससे जो है चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ पाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पार्ट टू में आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वेबसाइट बनानी कैसे है। कल जो इसका पार्ट थ्री आएगा दोस्तों, उसमें हम आप लोगों को बता देंगे कि वेबसाइट की मार्केटिंग कैसे करनी है और वेबसाइट बना के पैसे कैसे कमाने हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।